हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विक्की क्रिएशन रिव्यू। मैं आपका अपना दोस्त विक्की। फ्रेंड्स, आज हम बात करें साउथ इंडियन की न्यू हिंदी डब्ड मूवी प्रेमा इश्क कादल के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेमा इश्क कादल 2013 की तेलुगु लैंग्वेज की एक रोमांटिक कॉमेडी एंथोलॉजी मूवी है, जिसके राइटर डायरेक्टर पवन सदानेनी है। फ्रेंड्स, इस मूवी के लीड रोल में आपको हर्षवर्धन राणे, श्री विष्णु, हरीश वर्मा, वितिका शेरू, शिवमुखी और ऋतु वर्मा जैसे कलाकार देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10/7 की गजब की रेटिंग मिली है और इसे आप एक बार आराम से जरूर देख सकते हो। एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी आपको इस मूवी में देखने को मिलती है। दोस्तों, जैसे कि इस मूवी का नाम है प्रेमा इश्क कादल, इन तीनों नाम का एक ही अर्थ होता है प्यार। दोस्तों, इस तीन नाम की तरह इसमें तीन अलग अलग स्टोरियां दिखाई गई हैं। दोस्तों, पहली कहानी शुरू होती है रेड्डी हर्षवर्धन राणे से। दोस्तों, रेड्डी एक कॉफी शॉप के मालिक हैं और वो म्यूजिक से, जो संगीत होता है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो अपनी दुकान में हमेशा से संगीत बजाते रहते हैं। दोस्तों, इसी संगीत की वजह से उसको एक लड़की मिलती है, सरयू, जो रेड्डी को दोस्तों एक संगीत कार्यक्रम देने के लिए मना लेती है और उसे कार्यक्रम करवाती है। दोस्तों, ये दोनों आपस में रोज़ मिलते हैं और आपस में ये दोस्ती धीरे धीरे ये प्यार में बदल जाती है। दोस्तों, उसके बाद में दूसरी कहानी शुरू होती है एक रेडियो स्टेशन के RJ अर्जुन से, दोस्तों, जो कि हरीश वर्मा होते हैं। दोस्तों, अर्जुन स्वभाव से एक प्लेबॉय है और वो बहुत ही रंगीन जीवन जीना चाहता है। एक दिन उसकी नज़र शांति श्रीमुखी पर पड़ती है और वह उसे किसी भी कीमत पर उसे लुभाने का, उसका अपने प्यार में लेने का फैसला करता है। लेकिन दोस्तों, उसे प्लेबॉय की जो उसकी जो छवि होती है, उसका करेक्टर होता है, उससे उसे धूमिल हो जाता है क्योंकि उससे शांति से प्यार हो जाता है। और आखिरी कहानी होती है दोस्तों रॉयल राजू विष्णु की, जो कि दोस्तों फिल्मों में एक डायरेक्टर है और वो निर्देशन के रूप में काम करते हैं। दोस्तों, राजू के मन में एक अपना एक लक्ष्य होता है, वह केवल उस लड़की से शादी करना चाहता है जो खुले दिमाग की हो और उससे वह धूम्रपान जैसे बीड़ी, सिगरेट, शराब होती है, वो उसके साथ में उसके दोनों साथ में पी सके। दोस्तों, राजू अपने सेट पर एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर समीरा ऋतु वर्मा से मिलता है और जो उसके जैसी विचारधारा होती है, दोनों को आपस में एक दूसरे मिलते हैं और सेम विचारधारा उनकी मिल जाती है और वह एक दूसरे से प्यार में पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद में बाकी कहानी ये है कि ये तीनों कहानियों में कैसे एक दूसरे से जुड़ती हैं और कौन किससे आगे जाता है। दोस्तों, इस मूवी का जो प्लस पॉइंट होता है वो है इन तीनों कलाकार, इनका काम बेजोड़ एकदम से कमाल का देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें चाहे वो विष्णु का हो या रॉयल राजू का हो, चाहे हर्षवर्धन राणे का हो, तीनों के जो डायलॉग डिलीवरी है, उनके तौर तरीके बहुत ही कमाल के देखने को मिलते हैं। हर्षवर्धन राणे एकदम रॉक स्टार की भूमिका में एकदम कमाल के लगते हैं और हरीश वर्मा एक प्ले बॉय के रूप में बहुत ही बढ़िया देखते हैं। दोस्तों, ऋतु वर्मा एक आधुनिक, मतलब एक अच्छी लड़की, काफ़ी अच्छी दिखती है और अपनी भूमिका के साथ न्याय करती है। और वितिका की दोस्तों एक अच्छी भूमिका, वो अपने अभिनय से प्रभावित करती है। सेकेंड हाफ में दोस्तों अर्जुन और शांति के बीच में दिखाया गया ट्विस्ट काफ़ी दिलचस्प देखने को मिलता है इसमें। दोस्तों, मिलेनियम स्टार के रूप में सत्यम राजेश एकदम से कमाल के और फिल्म में उनकी अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, क्लाइमेक्स एपिसोड को काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया गया, जिस तरह से इन तीनों प्रेम कहानियों को दिखाया गया है और दिखाने की कोशिश की गई जिस तरीके से, वो एकदम से प्रभावशाली है, एकदम कमाल की देखने को मिलती है। दोस्तों, प्रेमा इश्क कादल एकदम से कमाल की स्टोरी है, जिसे आप एक बार आराम से जरूर देख सकते हो। दोस्तों, इस मूवी का जो माइनस पॉइंट है वह है फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ काफ़ी रूटीन हो जाता है और काफ़ी स्लो हो जाता है और बाकी इसकी जो स्टोरी है वो कमाल की देखने को मिलती है। इसमें सिनेमाटोग्राफी हो या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इस मूवी को आराम से जरूर देख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, आगे जो नया अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।